तो हाँ भाई, एक बार हम फिर से वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के एक नई वीडियो में। तो आज की ये वाली जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे जो हमने लास्ट 2 या 3 वीक्स में किया है। तो हमारी जो लास्ट वाली वीडियो थी वो 200 डेज वाली थी, जंगल ओनली बायोम। और उसके बाद जो हमने कल ही एक वीडियो अपलोड की है, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी रिकॉर्डिंग थी, तो उसको हमने कल एडिट करके कल ही अपलोड कर दिया। तो ये जो उसके दरमियान हमने जो कुछ भी किया वो हम आपको आज इस वाली वीडियो में दिखाने वाले हैं। और इस वाली वीडियो में हम एक एंडरमैन एक्सपी फार्म भी बनाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है और दूसरे एक्सपी फार्म में बहुत ज़्यादा ही एक्सपी मिलती है, इसलिए हम थोड़ी सी एक्सपी कम लेना चाहते हैं। तो वो कम एक्सपी जो है हमें एक ही जगह से मिल सकती है, जो कि है एंडरमैन एक्सपी फार्म। तो भाई, सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरे टूल्स और आर्मर पर लगी हुई इंचार्टमेंट है। तो ड्रोल बाइसाइकिल ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी इंचार्टमेंट्स लगाई है। मेरे पास एक पिकेक्स फॉर्चून 3 का और दूसरा सिल्क टच का है, और बाकी इंचार्टमेंट्स आप देख सकते हैं वीडियो को पास करके। और मेरे आर्मर पर वो इंचार्टमेंट्स लगी हैं जो माइनक्राफ्ट की बेस्ट आर्मर इंचार्टमेंट्स हैं, और इससे बेस्ट आर्मर इंचार्टमेंट्स और इससे सस्ती आर्मर इंचार्टमेंट्स नहीं हो सकती। होगी भी तो मुझे क्या, मैंने तो बस वीडियो बनानी है। तो अगर आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट क्या करते हैं, तो भाई सबसे पहले नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने और क्या क्या किया है। वैसे क्या तो जंप था। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे घर में ही है, तो ये ड्रोल बाइसाइकिल का आर्मर है। अगर आपको लगा हो कि उसके पास आर्मर नहीं है, ये गरीब है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये 4 इलाइट्रास जो हैं हम ऑफलाइन बैठ के एंड सिटी से लूट के आए हैं, और एंड सिटी से और भी हमें कई सारा सामान मिला है। तो हमें शल्कर बॉक्स भी मिले थे, लेकिन वो वॉइड में गिर गए थे हम। और ये सारे जो आर्मर्स हैं वो हमें वहीं से मिले हैं, और कुछ आयरन आर्मर्स भी मिले हैं चार्टेड। तो उससे अगली जो चीज़ है वो हमारे घर के बेसमेंट में है, तो इस तरफ से लैडर्स लगाई हैं हमने, नीचे जाना चाहिए। तो भाई जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ बकरियाँ मिलती हैं, और यहाँ पे हमने एक ऑटोमेटिक वूल फार्म बनाया है। इस तरफ के शीयर्स ख़त्म हो चुके हैं, लगा दूंगा बाद में, और उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा वूल होगी होगी, देखनी चाहिए जाके। तो ये वाली चेस्ट आधी से ज़्यादा हो गई है, और उधर जाके देखते हैं उधर कितना हो गया। और ये वाली चेस्ट तो ऑलमोस्ट फुल ही होने वाली है। तो ये जो जगह है पीछे की तरफ, ये हमने एक बनाया ऑटोमेटिक स्मेल्टर फार्म, ऑटोमेटिक स्मेल्टर स्मेल्टर फार्म ली। तो यहाँ पे हम पीछे की तरफ हम रखते हैं अपना फ्यूल वगैरह, इसमें तो कुछ पड़ा ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट फर्नेस में आ जाता है, जैसे कोल पड़ा है यहाँ पर। और ऊपर हम रखेंगे अपना खाना वगैरह, और नीचे पक के आ जाएगा। तो अभी वापस चलते हैं और आपको अपनी अगली चीज़ दिखाते हैं, या फिर अगला प्रोजेक्ट दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे ये हमारी प्यारी सी माइन तो है ही, तो नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने नीचे क्या बनाया। तो भाई पहले यहाँ पे कचरा फैला होता था, तो हमने यहाँ पे कुछ सफाई की है और फर्नेसेस वगैरह रखे हैं अच्छी तरह से। और मतलब अब आयरन यहीं से स्मेल्ट करके लेके जाएंगे। और ये एक शल्कर बॉक्स है, और इस तरफ एक चेस्ट फुल हो गई है कब्लस्टोन की। तो यहाँ पे टॉर्चेस भी काफ़ी ज़्यादा लगी, तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बनाया है ड्रोल बाइसाइकिल ने। और ये जो माइन बनाई है ये ड्रोल बाइसाइकिल ने बनाई है, तो क्रेडिट जाता है ड्रोल बाइसाइकिल को। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक ट्रेडिंग हॉल बनाया था किसी ज़माने में, तो इसे हमने एक्सपेंड कर दिया। तो पहले ये यहाँ तक होता था, और इसका क्रेडिट भी जाता है ड्रोल बाइसाइकिल को। एक्सपेंड मैंने किया है, लेकिन डेकोरेशन ड्रोल बाइसाइकिल ने की है। तो यहाँ पर कई विलेजर जो हैं पेंडिंग भी दे रहे होंगे, कोई ना कोई कई विलेजर मैंडिंग नहीं दे रहे, कई विलेजर बुकशेल्फ दे रहे हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा विलेजर यहाँ पे हमने पाल रखे हैं, तो काफ़ी अच्छी इंचार्जमेंट्स दे रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्ड और इंटरेस्टिंग। तो आपको तो याद होगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो याद होगा कि हमने एक शुगर कैन फार्म बनाया था। तो ये था वो शुगर कैन फार्म, ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म, तो इसे हमने डबल कर दिया हुआ है। तो नीचे जाके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से भी इसे हमने एक्सपेंड कर दिया, और एक हॉपर लगाया, हॉपर की मदद की है, और ऊपर वाले जो है वो इसे सुराख से नीचे आते हैं इस हॉपर में, और हॉपर से चेस्ट में। जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो तो सिर्फ एक कॉमेडी थी। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमने ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म बनाया, तो बहुत बड़ा शुगर कैन फार्म है ये। तो जैसे हम इस तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है, और इस तरफ भी काफ़ी लंबी लाइन्स है, और इस तरफ भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं दिखाई क्या सकता हूँ आपको यहाँ पे। तो हाँ, ये अभी पिस्टन चला आपके सामने। तो काफ़ी ज़्यादा शुगर कैन यहाँ से हमें मिल जाता है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी थी तो बुक्स वगैरह जमा करनी थी, इसीलिए हमने इसे बनाया।
तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है यार। नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। जब भी यहाँ पे गिरते हैं तो हमें घूम के वापस आना पड़ता है। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं हम आपको। वैसे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शुगर कैन जमा हो गया। चेस्ट खोलता हूँ मैं, ये काफ़ी ज़्यादा है यार। तो यहाँ पे ड्रोल बाइसाइकिल ने एक नया कारनामा किया, ये मैप बनाया है इसने, तो काफ़ी बड़ा मैप इसने बनाया हर जगह का। तो पीछे की तरफ हमने यहाँ पे कुछ बैम्बू गाए हैं फ्यूल के लिए। और आपको एक और चीज़ दिखानी है, हमने अपनी जानवर्स वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पोटैटो XP फार्म बनाया था। तो यहाँ पे स्मोकर में आयरन पड़ा है और आयरन जलता ही नहीं है स्मोकर में। और इस तरफ फ्यूल है और ऊपर की तरफ हमने पोटैटो रखा था, और इस ऊपर में पोटैटो आता था इस ऊपर से स्मोकर में। और यहाँ पे ये आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पोटैटो है। और यहाँ से एक बार मैंने 100 XP भी की थी, स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इस फार्म को माइनक्राफ्ट का सबसे तेज़ XP फार्म भी कहें तो वो भी कम है इसके लिए तारीफ। क्या कह रहा हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होगी। और ये तो है। तो भाई अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हम 100K सब्सक्राइबर्स के हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई अभी हम जा रहे हैं एंड की तरफ, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक एंडरमैन XP फार्म। तो जल्दी से एंड पोर्टल की पहुँचते हैं एंड पोर्टल के पास। तो भाई यहाँ पहुँच के ड्रोल बाइसाइकिल ने कुछ ऐसा खोदा कि मुझे लगा ये गया, ये वॉइड में गया, लेकिन कुछ करने की कोशिश कर रहा था ये। और नीचे मतलब वैसे क्या तो बचाऊँ मैं, और ये डेंजरस जगह है तो यहाँ पे बचना चाहिए वॉइड जानी दुश्मन। और यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेंड किया इस जगह को, उसके बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया। तो सारा काम करने के बाद ये जगह कुछ ऐसी लग रही थी, तो यहाँ पे हमने जस्ट में अपना कीमती सामान रख दिया था। और यहाँ से मैं अपना पिकेक्स उठा लेता हूँ, और यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट 1 तक जाना, यानी कोऑर्डिनेट 1 तक हमने ब्लॉक्स लगाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, खुल जाएगी अगर चेस्ट। तो पिकेक्स वापस रख देते हैं, बहुत कीमती है। तो देखते हैं कि कितनी बार मरने के बाद मैं ब्लॉक्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टोन लगाते हैं, स्टोन लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा पीछे होके यहाँ पे पानी लगाते हैं। तो अब इस पानी से होते हुए हमें नीचे की तरफ जाना, और ये जो स्टोन है इसके नीचे स्टोन लगाते जाना। तो काफ़ी आसान काम है, लेकिन इस बार हुआ कुछ यूँ कि मैं प्रो बनने की कोशिश कर रहा था और तो एक बार फिर ट्राई किया। तो इस तरफ नीचे उतरना और इसके नीचे ब्लॉक लगाते जाना। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स लगा लिए थे मैंने, लेकिन पानी से बचने की कोशिश में तो आखिरकार मैं सारे ब्लॉक्स लगाने में कामयाब हो ही गया। और कोऑर्डिनेट 1 पे जो ब्लॉक लगाना था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, तो वो भी लग गया था। तो उसके बाद लीव्स लगा के इसे 128 ब्लॉक्स दूर लेके जाना था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। तो ये काम करते हुए टांगे कांपनी थी। तो फाइनली ग्रास का काम कंप्लीट हो चुका था। तो अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना था, 128 ब्लॉक्स दूर आके यहाँ पे 9x9 का प्लेटफॉर्म बनाना है, और हम बना भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट रखनी है और 9 होपर्स लगाने हैं, कुछ इस तरह जैसे हमने लगा दिए हैं। वैसे मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ या फिर मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसके बाद 2 ब्लॉक्स ऊपर जाके हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया। तो 2 ब्लॉक्स ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाना है उसके ऊपर कारपेट्स भी लगाने हैं, और वो भी 9x9 का होगा, लेकिन उसके दरमियान जो है वो 9 ब्लॉक्स का गैप होगा नीचे वाले होपर्स के बराबर। तो उसके बाद हमने हर ब्लॉक के गैप से कोऑर्डिनेट 44 तक रिंग्स बनानी थी। तो यहाँ पे मैं लूँगा टाइम लैप्स और रोड बाइसाइकिल बनाएगा रिंग्स। तो काफ़ी मुश्किल काम है, मुश्किल ही होता है। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 of times with the same soul. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to put on the left side, put it up in your mind? I'm
तो यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया दरमियान वाले ब्लॉक से हर तरफ 13 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे हम एक एंडरमाइट स्पॉन करेंगे और एंडरमाइट से होता कुछ यूँ है, ये जो एंडर मैन होते हैं ना ये एंडरमाइट से अट्रैक्ट होते हैं, और जब ये एंडरमाइट से अट्रैक्ट होंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे, उन्हें डैमेज होगा, एक हिट में मर जाएंगे। तो ये जो एक्सपी फार्म है ना ये आईजेवन नाम के एक यूट्यूबर ने डिज़ाइन किया है, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने ये डिज़ाइन नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रैपडोर भी लगाने थे, मैं भूल गया था। तो पहले यहाँ पे अपने ट्रैपडोर्स लगा लेने हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ट्रैपडोर ना लगेंगे तो वो जो एंडरमैन है वो नीचे नहीं जाएंगे, मतलब गिरेंगे ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या एक्सपी फार्म का। तो यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक की हाइट पर एक आयरन बार लगा देना, उसके बाद इसके ऊपर आपको एक कारपेट लगा देना जो मेरी इन्वेंट्री में, मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। ये रहा कारपेट, और ये कारपेट उठाया और इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद आपको 3 ब्लॉक के ऊपर 3 ब्लॉक और बिल्ड कर देना, यानी टोटल ये हो जाएंगे 6 ब्लॉक। और फिर आपको कुछ इस तरह से इसे ऊपर से कवर कर देना, फिर उसके बाद इसे आपको 2 ब्लॉक्स की हाइट पर लेके जाना है। और याद रखना है इस ब्लॉक के नीचे कारपेट होना चाहिए, इस ब्लॉक के एक ब्लॉक नीचे कारपेट हो। कारपेट वाले ब्लॉक से साइड वाले ब्लॉक पे आपको एक रेल प्लेस कर लेनी है, और आपको निकलने के लिए लैडर भी लगानी पड़ेगी अगर आप पॉकेट एडिशन में खेल रहे हैं तो। फिर आपको इस जो ये वाली रेल है इस पर आपको एंडर पर मारना है, एक बार में एंडर पर मारने काफ़ी ज़्यादा, तो एक बार ये स्पॉन हो जाएगा। तो अब ये स्पॉन हो चुका है, एंडरमाइट स्पॉन हो चुका है। तो आपको इसे नेम देना, नेम याद रहे आपने नीचे जाके देना, और अगर आपके आर्मर पे थ्रोन्स लगी है तो आप उसे उतार लें, कोई दूसरा आर्मर पहन लें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, उसे पहले रेल में बिठा दिया, आपने पहले रेल में नहीं बिठाना, पहले आपने उसको नेम टैग देना। तो मैं जल्दी से नीचे जंप करके इसे नेम दे देता हूँ और वापस आता हूँ, मेरी हेल्थ जा रही है। नेम देने के बाद आपने उसे रेल में बिठा लेना, फिर आपने कारपेट वाला ब्लॉक तोड़ देना और माइनकार्ट पर जंप कर देना। माइनकार्ट कारपेट के अंदर चली जाएगी, कारपेट वाले ब्लॉक पर चली जाएगी, और आपको फिर इसके ऊपर कारपेट प्लेस कर देना और सब कुछ तोड़ देना। कैसा दिया? नहीं दिया सही, मतलब समझ आ गई है ना कैसे करना है सारा काम। तो भाई उसके बाद तो एंडरमैन्स की बारिश ही होने लग पड़ी। ये एक्सपी फार्म जावा एडिशन जैसा तेज़ भी नहीं था, लेकिन काफ़ी काफ़ी तेज़ था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं से भी पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। उसके बाद हमने अपने टूल्स और आर्मर्स वगैरह रिपेयर किए सारे के सारे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।